फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। मतलब 100 से ज़्यादा अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो तो उसको किस तरीके से IUPAC नेम है वो दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर पता चला किसी एलिमेंट का तो इमिडिएटली तो नेम है वो दिया नहीं जाता, तो उस समय वहाँ पर क्या उसको नाम दिया जाए, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं IUPAC ने। तो वो उस IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सीखने पड़ेंगे कि रूट वर्ड्स हैं वो क्या दे रखे हैं 0 से लेकर 9 तक के। तो 0 से यहाँ पर मैंने डिजिट लिख रखी है 0 से लेकर 9 तक, और उनके लिए जो नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 0 को तो हम कहेंगे निल, उसके बाद में 1 को कहा जाएगा अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और उसके बाद में 4 के लिए क्वाड आएगा, ये 4 इज दर ये क्वाड, उसके बाद में 5 के लिए पेंट, उसके बाद में हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट और ईन, और इनके एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट में उनको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो निल के लिए जो आगे आगे वाले जो लेटर्स हैं उनको हमने यहाँ पर एज ए एब्रीवेशन हमने यहाँ पर ले लिया है। तो निल के लिए एन आ गया, अन के लिए यू आ गया, बाई के लिए बी आ गया, ट्राई के लिए टी, और क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, और हैग्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ, और इन के लिए ई है वो हमने लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे 100 से ऊपर, जैसे 101 अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि अगर हम चाहें कि उसका हमें नेम है वो लिखना है तो हम कैसे यहाँ पर नेम लिखेंगे उसका, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो अगर यहाँ पर 101 का मुझे नेम यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर इन सब के तो पहले आपको रूट वर्ड से वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 के लिए आ गया अन, उसके बाद में 0 के लिए आ जाएगा निल, फिर वापस 1 के लिए अन, और अब जो लास्ट में जो हमने रूट वर्ड लिखा है उसके साथ में हम जोड़ देंगे ईएम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको जोड़ने के बाद में क्या बनेगा, अन निल अनियम, ये इसका नेम बन जाएगा 101 का। और इसका वैसे जो नेम है वो मतलब हम इसका 103 तक मैंने आपको लर्न भी कराया था जो एफलॉग के एलिमेंट्स थे, तो मेंडेलीवियम है इसका जो नेम है, और इमीडिएटली जब इसका पता चला था तो उन्होंने जो नेम रखा था तो वो अन निल अनियम, इस पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसका नेम है वो रखा गया था, और वैसे है वो मेंडेलीवियम है, वो मैंने आपको याद है वो कराया था। उसके बाद में एक और देख लेते हैं 102 का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए अन आ गया, फिर 0 के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वही निल लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 के लिए आ गया बाई, और लास्ट वाले के साथ में हम क्या ऐड करेंगे, सफिक्स ऐड करेंगे ईएम। ये सफिक्स आपको याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट में जो भी आएगा उसके साथ में उसके रूट वर्ड के साथ में हमें ईएम है वो ऐड है वो करना पड़ेगा। तो अब नाम क्या बन जाएगा, अन निल बाईएम, ये इसका नाम बन जाएगा। रूट वर्ड यहाँ पर इन सबको हमने ऐड कर दिया, ये नाम है इसका बन गया, और वैसे नेम है, वैसे जो एलिमेंट है इसकी जो डिस्कवरी हो रखी है तो उसका जो नेम है वो है नोबेलियम, और जो उसका सिंबल होगा यहाँ पर NO। अब यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हम इनके एब्रीवेशन फॉर्म्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके जो आगे वाले रूट वर्ड्स के जो आगे के जो लेटर्स हैं उनके थ्रू हम यहाँ पर इसके लिए चूज़ कर लेंगे U, फिर इधर आ गया N और इधर आ जाएगा B। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा UNU। तो हम यहाँ पर इनके एब्रीवेशन फॉर्म्स है वो भी बना सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में है वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसके अंदर भी इसमें से एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है वो आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है, मतलब एब्रीवेशन बनाना, नेम लिखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला जो यहाँ पर रूट वर्ड आएगा उसके साथ में हमें सफिक्स ऐड करना है, सफिक्स कौन सा होगा, ईएम होगा, उसके बाद में ये जोड़कर हम एब्रीवेशन ले सकते हैं। एब्रीवेशन के लिए आपको जो रूट वर्ड्स उनके पहले वाले जो लेटर्स हैं उनको लेकर आप रूट वर्ड से वो बना सकते हो। तो यहां पर एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, और वैसे ये 120 तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपको खुद करने हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ले रही हूं, यहां पर जैसे रैंडम मैंने एक एग्जांपल है 5105 है वो ले लिया। तो यहां पर वही अन प्लस निल प्लस पेंट प्लस ईएम, अब इनको जोड़कर अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, अन निल पेंटियम।
ये आ जाएगा। अब इसका एब्रीविएशन फॉर्म अगर हमको लिखना है तो यू इधर आ गया, एन और ये पी, तो ये बन जाएगा यू एन पी। तो इसका एब्रीविएशन फॉर्म यहाँ पर हमको मिल गया यू एन पी। तो इस तरीके से हमने देखा है यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर अगर मोर देन अगर 100 से अगर कोई किसी का भी एटॉमिक नंबर है तो उसका नेम हम किस तरीके से है वो लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर अगर जैसे 105 मैंने लिया है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 120, तो इसका आईयूपीएसी नेम है वो क्या होगा, तो 1 के लिए वापस हमने लिखा यहाँ पर अन, उसके बाद में 2 के लिए हमने लिखा बाई, फिर वापस हमने यहाँ पर जो 0 है उसके लिए लिखा निल, और सफिक्स हमें लगा देना है ईएम। अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, अन बाई निलियम, ये बन गया। अब इसके लिए अगर हमें यहाँ पर इसका एब्रीवेशन फॉर्म बनाना है तो सिंबल क्या बन जाएगा, यू बी और एन, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 120, जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है तो उसके लिए एब्रीवेशन फॉर्म है वो आ जाएगा यू बी एन। तो इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब एग्जाम में कॉम्पिटिव एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। एब्रीवेशन फॉर्म आपको दिया जा सकता है या एलिमेंट दिया जा सकता है जिससे आपसे नाम है वो पूछा जा सकता है, तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको रूट वर्ड की जो टेबल है वो याद करनी है। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 101 से 120 तक आपको पूरे कॉपी के अंदर है, वो आपको खुद करने हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, बाकी आपको यहाँ पर करने हैं। थैंक यू।